हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक प्रिंस में एक बार फिर से। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम टाटा 315e एंड JCB में अंतर जानेंगे, क्या होता है अंतर। तो चलिए बिना टाइम को व्यर्थ किए हुए चलिए स्टार्ट कर दें। फ्रेंड्स, मैं तो अभी 1 साल से टाटा JD चला रहा हूँ। वैसे क्या इसमें अनुभव हुआ, और 2 साल JCB चलाया और क्या उसमें अनुभव हुआ, ये मैं आपसे आज शेयर करूंगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, बने रहिए आज के इस वीडियो में और पूरे देखिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप JCB में जैसे जानते होंगे कि डीजल टैंक राइट साइड में होता है, बट टाटा JCB में आपको लेफ्ट साइड में देखने को मिल जाएगा। एंड लेफ्ट साइड में JCB का हाइड्रोलिक टैंक रहता है इस जगह पे, बट इसमें राइट साइड में जो टैंक दिया हुआ है उसमें फ्रेंड्स वो हाइड्रोलिक टैंक नहीं है, ये बैटरी बैटरी का टैंक है। ये बैटरी का टैंक है एंड नीचे डाउन में कुछ एक्सेसरीज है रखने के लिए दिया हुआ है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसका हाइड्रोलिक आपको अगर डालना हो तो यहाँ से आप डाल सकते हैं, यहाँ से ओपन करके, इसमें आप ओपन करके हाइड्रोलिक डाल सकते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, JCB में जैसे आप जानते हैं कि इंजन ऑयल यहाँ चेक होता है, टाटा JCB में भी सेम है, इंजन ऑयल यहाँ चेक होता है, लेकिन ट्रांसमिशन ऑयल भी यहाँ पर JCB में दिया रहता है फ्रेंड्स, लेकिन इसमें वैसा नहीं है। ट्रांसमिशन ऑयल अगर आपको चेक करना हो फ्रेंड्स, तो अंदर केबिन में इंटर करके उसके बाद देन आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो है इसको ओपन कीजिए, उसके बाद केबिन का अंदर ही वो आपको दिख रहा है, वो हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन को नापने के लिए फ्रेंड्स। एंड इसमें ऑयल रेंज, यहाँ पर आप ऑयल रेंज चेक कर सकते हैं टाटा JCB में, ये फंक्शन थोड़ा ठीक है। एंड फ्रेंड्स, बाकी फ्रेंड्स डीजल एवरेज तो दोनों का एक ही है। एंड फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपको कूलेंट चेक करना हो या फिर इंजन ऑयल डालना हो गया, तो आप जैसे JCB में जानते हैं कार जैसा सिस्टम रहता है उसमें कैबिनेट उठाने का रहता है फ्रंट साइड से, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। टाटा JD में अगर आपको इंजन ऑयल डालना हो या कूलेंट चेक करना हो, वाटर देन आपको इसको ओपन करना होगा, ये हो गया कूलेंट का। अगर इंजन ऑयल आप डालना हो तो देख सकते हैं इधर अंदर में ही इंजन ऑयल, इसको पहले रिमूव करना होगा, ये फिल्टर जो है एयर फिल्टर, एंड देन इधर आप अंदर में वो उसको डाल सकते हैं इंजन ऑयल। एंड ये हो गया फ्रेंड्स इसका। बाकी फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि JCB और इसमें क्या डिफरेंस है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें कुछ कमियाँ हैं तो कुछ खूबियाँ भी हैं, JCB में कुछ खूबियाँ हैं तो कमियाँ भी हैं। तो जान सकते हैं आप क्या कमी है फ्रेंड्स इसमें। फ्रेंड्स, इसमें आपको मिल जाएगा, इसका फ्रंट साइड लोडर में थोड़ा पावर कम है फ्रेंड्स, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा JCB के मुकाबले कम है। एंड फ्रंट साइड थोड़ा लाइट वेट है तो चढ़ान में थोड़ा सा मुश्किल होता है। एंड फ्रेंड्स, JCB में ऐसा नहीं है। सो फ्रेंड्स, इसमें खूबियाँ ये है कि आपको इसमें वायरिंग कभी टूटने को नहीं मिलेगा फ्रेंड्स, वायरिंग का शिकायत नहीं होगा। लेकिन JCB में फ्रेंड्स, मैं JCB चला चुका हूँ, बहुत उसमें कंप्लेन आती है वायरिंग टूटने की। एंड फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स केबिन में देख लेते हैं फंक्शन क्या डिफरेंस है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं लीवर एंड जैक लीवर दोनों तो सेम ही हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें यहाँ तक कवर रहता है JCB में, लेकिन इसमें कवर नहीं है। अब फ्रेंड्स, इसमें मैं JD में आपको मेन बात बताना चाहता हूँ कि इसमें 1 2 3 4 सिस्टम है, गियर सिस्टम का 3 4 3 2 1 फोर गियर है। एंड जैसे कि आप जानते हैं कि JCB में आम कार की तरह यहाँ पर एक गियर आता है, क्लच दबा के बटन दबा के 1 2 3 4 करके रहता है। यहाँ से फ्रेंड्स इसका स्टॉप होगा, इसको खींचने से स्टॉप होता है।
लेकिन जैसे भी मुझे सिस्टम नहीं है, चाबी आप ऑफ कीजिए और ऑफ हो जाएगा। ये इंडिकेटर है फ्रेंड्स, ये हेड लैंप है एंड फ्रंट लैंप, यहाँ पर ये फैन हो गया, ये फैन हो गया, ये स्पेयर हो गया, रियर वर्क लैंप मतलब पीछे का वर्क लैंप है एंड MMW, इसमें पीछे का वर्क लैंप अच्छा दिया है फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ 1 मिनट। एज यू कैन सी LED लाइट है, रात में तो बहुत अच्छा रोशनी है। एंड फ्रेंड्स इसमें मेन जो फंक्शन है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, कि इसमें क्या है कि आप देख सकते हैं पार्क ब्रेक दिया हुआ है। अगर आप इस चाबी को ऑफ करते हैं तो क्या होगा कि आपका गाड़ी वहीं का वहीं रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा, ना आगे होगा ना पीछे होगा। लेकिन जैसे में ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, इसमें यही मेरे को अच्छा लगा फ्रेंड्स कि अगर आपको कहीं पर भी गाड़ी रोकना है, ब्रेक व्रेक नहीं कुछ काम करते, तो इसको ऑफ कर दीजिए, बस इंजन ऑफ, देन आपको स्टार्ट तो रहेगा इंजन लेकिन गाड़ी आगे से पीछे नहीं बढ़ेगा। और जेसीबी में ये फंक्शन नहीं है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स बाकी लोडर तो सेम है एंड ये हो गया आपको हैंड एक्सीलेटर, जेसीबी में यहाँ पर हैंड एक्सीलेटर रहता है और इसमें यहाँ पर है। एंड ये चार्जिंग पॉइंट है, चार्ज कर सकते हैं आप। बाकी सब इंडिकेटर इंडिकेटर है, आप जैसे जानते हैं, टेम्परेचर, फ्यूल डीजल फिल का, ये RPM है, ये इंजन ऑयल है, ये वोल्ट है एंड देन बाकी एक्सेसरी जो बताएगा इंडिकेटर, बाकी सब तो फ्रेंड सेम है। ये फैन है, ये बोतल रखने का है, ये आईना है एंड देन इसमें क्या है फ्रेंड्स, बैक साइड में थोड़ा ज़्यादा हैवी वेट दे दिया है इसलिए थोड़ा सा जहान में दिक्कत होता है। एंड ये इसका फैन बेल्ट हो गया फ्रेंड्स, जैसे कि आप जैसे भी जानते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या होता है उसको पंप मारने का डायरेक्ट आता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसको पहले लूज कीजिए उसके बाद उठा के पंप मारना है एयर, अगर एयर मशीन लेगा तो। एंड ये हुआ फ्रेंड्स डीजल फिल्टर, बाकी इंजन ऑयल फिल्टर, हाइड्रोलिक फिल्टर नीचे में है, ट्रांसमिशन फिल्टर वो तो नीचे में, मैं कैसे जा सकता हूँ आपको ऐसे दिखा सकता हूँ। ओके फ्रेंड्स इतना ही। जो जेसीबी और टाटा हिटाची में, टाटा जेडी में फंक्शन जो मेन है वो मैं बता दिया आपको, ठीक है, बाय।